आगामी चुनावों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी को छोड़कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टारगेट करना शुरू कर दिया है। इससे पहले प्रयागराज से वाराणसी तक गंगा बोट यात्रा के दौरान प्रियंका ने अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जमकर विरोध किया था, लेकिन पिछले 24 घंटों में प्रियंका के सुर बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रियंका ने यूपी के ऐसे चार मुद्दों को उठाया है जिसमें वो योगी को पूरी तरीके से घेर रही हैं। इसमें गन्ना किसान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कर्मी और शिक्षा मित्रों की मांगे शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी की घेराबंदी उस वक्त शुरू की जब योगी को गन्ना लैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली करने जाना था। इस बीच प्रियंका ने आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं और सहकर्मियों से मुलाकात की। प्रियंका ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए गन्ना किसानों, शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठाने की बात करते हुए एक तस्वीर ट्विटर पर भी शेयर की है। बहरहाल चुनावी दृष्टिकोण से प्रियंका के स्टैंड को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी पर सीधे निशाना बनाकर प्रियंका सूबे की जनता और उनके मुद्दों से खुद को जोड़ना चाहती है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।